एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ स्टाइल विद अनिता। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपने स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, क्योंकि स्किन में हम कोई भी नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। रिसेंटली अभी मुझे रिसीव हुए हैं 7 डेज ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट, और इसका अनबॉक्सिंग मैंने किया था आप लोग के साथ में, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट को मैंने ऑलरेडी यूज करना स्टार्ट कर दिया है, और इसको यूज करने के बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यूज किया था 7 डेज ऑर्गेनिक का ये लिप बाम, हर्बल लिप बाम एंड ये हर्बल लिप सीरम, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी, कोई भी मौसम हो, हमारे लिप्स जो होते हैं मौसम के प्रभाव से बहुत जल्दी प्रभावित होने लगते हैं और ये ड्राई होने लगते हैं, क्रैक होने लगते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी लिप की विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने अभी यूज़ कर रही हूँ 2-3 दिनों से, और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसी का रिव्यू करती हूँ, क्योंकि ये ना मुझे एक नज़र में ही इनसे प्यार हो गया था, क्योंकि ना ये बहुत ही अच्छे हैं लिप केयर के लिए। और अभी मैंने सिर्फ लिप सीरम लगाया है, और ये मेरे लिप का नेचुरल कलर है, कुछ भी मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ ये लिप सीरम लगाया है। तो सबसे पहले मैं आपको 7 डेज हर्बल लिप बाम के बारे में बताती हूँ कि बात करें हम इसके पैकेजिंग की, तो ये 15 ग्राम की पैकेजिंग है, और बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है इसकी, और ये ट्रेवल फ्रेंडली है, आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं इसे आराम से, और जब भी ज़रूरत हो तो इसे बस निकालिए और अपने लिप में अप्लाई कर लीजिए कभी भी कहीं भी। तो ये मेरे लिप्स जो हमेशा ड्राई से रहते थे, फाइनली इसकी वजह से इतने सॉफ्ट और नरिशमेंट हो गए हैं। लिप बाम के बारे में बताती हूँ कि इसमें मतलब ऐसा क्या है जो हमारे लिप्स के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है सनफ्लावर ऑयल, कैस्टर ऑयल, सीसमे ऑयल, कोकोनट ऑयल, बीज वैक्स, शिया बटर, कैलेंडुला वैक्स, एप्रिकॉट ऑयल, चेरी फ्लावर ऑयल, बीट रूट ऑयल और वाइटमिन ई। ये जो लिप बाम है वाइटमिन ई से इनरिच है, और विटामिन ई सभी को पता है कि लिप्स के लिए कितना अच्छा होता है, और ये हमारे लिप्स में लॉन्ग लास्टिंग नरिशमेंट को बरकरार रखता है, साथ ही ये ड्राई और चैप्ड लिप्स को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। साथ ही ये जो लिप बाम है ये प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से, हमारे लिप्स को हाइड्रेट रखता है, नरिश रखता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बीट रूट है। जनरली मैं क्या करती थी ना, DIY लिप बाम बनाती थी, और उसमें मैं बीट रूट और मतलब घी ये सब मिला करके एक DIY लिप बाम बनाती थी, उसी तरह का ये लिप बाम है जैसा कि मैं बनाया करती थी। इसमें बीट रूट है और ये काफ़ी अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा ये लेना है और अपने लिप्स में ऐसे अप्लाई कर लेना है। ये लिप बाम लिप्स को ब्राइटन कलर देने के साथ ही एक नेचुरल पिंक कलर को रिस्टोर करता है। इस हर्बल लिप बाम में एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी ऑयडेंट बेनिफिट्स भी होते हैं जो लिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो लिप्स लाइन को फेड करती है, साथ ही ड्राई लिप्स को हील करती है। ये लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग का काम कर रहा है, क्योंकि ये अंदर से लिप को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, सिर्फ ऊपर से नहीं। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, इसे मैं 10/10 नंबर दूंगी और इसे रिकमेंड करना चाहूंगी सभी को। इसे आप यूज करके एक बार देखिए, फिर इसे आप कभी भी अपने आप से अलग नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस 7 डेज लिप सीरम का रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।